पूरी ही योजना 5 साल की बिल्कुल एकदम धराशायी हुई है और घोटालों के अलावा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। तो इस बार फिलोकवा के सरताज में किसे देखना चाहते चेयरमैन के रूप में? मेरा तो मानना यह है कि जो बीजेपी ने प्रत्याशी को उतारा है बहुत समझ करके उतारा है और मैं अपेक्षा करूंगा कि सभी जो उनको वोट करें और अच्छी तरह से भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो पीछे जो हुआ है उस सारी पूर्ति को करते हुए। हापुड़ उत्तर प्रदेश के नगर पालिका परिषद पिलखुआ में ये है वार्ड नंबर 13। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, लगातार हम सब वार्डों में जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं। इस बार नगर पालिका परिषद पिलखुआ में क्या है जनता का मूड, कौन बनेगा चेयरमैन? हमारे साथ काफी लोग यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों में, कैमरामैन सहयोग से कहेंगे कि दिखाएंगे, काफी लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे इस बार जो है कि वार्ड नंबर, इस बार नगर पालिका परिषद पिलखुआ से चेयरमैन के रूप में किसे देखना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, हम जानकारी करना चाहेंगे। सबसे पहले भाई साहब आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम विभू बंसल है, मैं पिलखुआ शिवाजी नगर का रहने वाला हूँ। चुनाव के बारे में क्या कहना है? चुनाव अभी लोगों ने नामांकन तो दर्ज किए हैं पर अभी लोग आके मिले नहीं हैं, ये नहीं पता उनके मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो जब वो ये सब चीजें डिक्लेयर करेंगे उसके बाद हम लोग अपना प्रत्याशी चुनेंगे। अच्छा, मौजूदा 5 साल में क्या विकास कार्य हुआ ये आपसे जानना चाहते हैं? सर, विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ लाइटें लगाई गई हैं जो किसी कार्य की काम की नहीं है, बाकी तो हमने कोई नहीं देखा और पार्षदों के नाम के बोर्ड लगे हैं, उसके अलावा तो हमने कोई विकास देखा नहीं पिलखुआ में। जो सड़कें पहले बनी थी वही बनी हुई हैं, कोई नई सड़कें नहीं बनी, कोई खंभे नहीं लगे, कोई नई लाइटें नहीं, यूजेबल लाइटें नहीं लगी, क्योंकि जो लाइटें पिलखुआ में लगाई गई हैं इतनी महंगी लगाई गई हैं और उनका कोई कार्य नहीं है। आपका क्या कहना? समस्या ये है मेन, कोई ना तो वार्ड मेंबर आते हैं ना चेयरमैन आते हैं, चुनने के बाद सब अपना बन बन कर बैठ जाते हैं। इस बार हम पार्टी देखकर नहीं, उम्मीदवार देखकर वोट देंगे। तो आपका सीधा कहना है कि इस बार हम पार्टी को नहीं देखेंगे, उम्मीदवार देखकर वोट देंगे, देखकर वोट देंगे जो हमारे काम में आए और हर समय मौजूद रहे। हमारे साथ यहाँ माताएं भी है, बहनें भी है, हम उनसे भी जानेंगे। माता जी क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? बस चुनाव जो है ऐसा ही होना चाहिए कि जो हमारे मतलब कस्बे को सही रख सके, देख भाल रख सके कस्बे की। और भी हमारे साथ नगर अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे, नगर उपाध्यक्ष जी, मंडल उपाध्यक्ष जी, आप वार्ड नंबर 13 से क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? देखिए, चुनाव के बारे में ये है कि कम से कम पार्टी को ये देखना चाहिए कि जो कार्यकर्ता हमारा पूरे समय लगा रहता है उसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, उसको भी सेवा का अवसर मिलना चाहिए। जब वो निस्वार्थ होकर के पार्टी के कार्य में लगा रहता है तो कम से कम ऐसे समय पर आकर के जनता का सेवा करने का अवसर उसको अवश्य मिलना चाहिए। मौजूदा 5 साल में क्या कार्य हुआ आपके वार्ड में? मौजूदा 5 साल में तो कोई कार्य हुआ नहीं, वार्ड की बात नहीं, पूरे पिलखुआ की बात है। पूरी ही योजना 5 साल की बिल्कुल एकदम धराशायी हुई है और घोटालों के अलावा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। तो इस बार पिलखुआ के सरताज में किसे देखना चाहते चेयरमैन के रूप में? मेरा तो मानना यह है कि जो बीजेपी ने प्रत्याशी को उतारा है बहुत समझ करके उतारा है, मैं अपेक्षा करूंगा कि सभी जो उनको वोट करें और अच्छी तरह से भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो पीछे जो हुआ है उस सारी पूर्ति को करते हुए और नगर का विकास करें। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि जनता भाजपा को अच्छे वोटों से जिता करके और योगी मोदी जी के हाथ यहाँ से भी मजबूत करे और यह ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो बहुत अच्छा कार्य करे, ऐसा मेरा मानना।